क्लास हमने कल कुछ डेफिनेशंस करी थी, वहीं से हम अपनी डेफिनेशंस को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने रोटेशन और रिवोल्यूशन पढ़ा था, थोड़ा सा कोई रिवीजन कर लेते हैं। रोटेशन का मतलब हमने सीखा था कि जब कभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे घूमता है, उसको हमने यहाँ पे रोटेशन नाम दिया था। और रिवोल्यूशन हमने नाम दिया था जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा एक ऑर्बिट में घूमता है, यानी कि सूर्य के चक्कर लगाता है, सन के चक्कर लगाएगा, उसको हमने यहाँ पे रिवोल्यूशन नाम दिया। उसी में आगे बढ़कर हम कुछ डेफिनेशंस कंटिन्यू करते हैं। अब थर्ड हमारे नंबर पर डेफिनेशन दे रखा है लूनर ईयर। लूनर ईयर का मतलब क्या है? बेसिकली हमने कैलेंडर ईयर पढ़ा हुआ है, उसमें 365 डेज होते हैं, उसी को ही यहाँ पे हमने लूनर ईयर नाम दिया हुआ है। इसमें ऐसा होता है कि सन के ऊपर डिपेंड करता है, और ये लूनर ईयर में जैसे बोल रखा है कि कोई भी मैंने ईयर हैज 365 डेज, ठीक है, उसी ईयर को हमने यहाँ पे लूनर ईयर नाम दिया है। नेक्स्ट इसमें बोला है लीप ईयर। लीप ईयर में चीप इसमें 8 दिन पड़ जाता है। तो थोड़ा हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ ईयर हैज 366 डेज इट इज नोन एज लीप ईयर। अब लीप ईयर में 8 दिन बढ़ जाता है। एक्चुअली जब सन के पास जब वो रिवोल्यूट करती है, रिवोल्यूशन करती है हमारी अर्थ, तो हमारा जो टाइम लगता है वो हमारा 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं। तो हम अपनी कैलकुलेशन के लिए हम 6 आवर्स को हम थोड़ा हटा देते हैं, अवॉइड करते हैं, और हम 365 डेज ही लेते हैं। वो आगे चलकर हमारे 6 आवर्स 4 बार ऐड होके हमारे वो वन डे बन जाता है, इसीलिए इसमें ये वन डे काउंट हो जाता है। और ये लीप ईयर हमेशा 4 साल के बाद आता है, यानी कि 4 इयर्स के बाद में आता है। हमें टाइम पीरियड भी जानना जरूरी है कि रोटेशन का जो टाइम पीरियड है वो हमारा 24 आवर्स होता है, यानी कि अगर हम करें पूरा 1 दिन हमारा क्या है, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करने के लिए लेती है। और अगर जब हम रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारी अर्थ जो है वो 365 डेज लेती है, यानी कि पूरा 1 साल लेती है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारी है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब क्या है? इक्विनॉक्स का ऐसा है कि जैसे हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ का जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पे रहता है, बिल्कुल उसी में ही हम डेफिनेशन देखते हैं, उसमें आएगा। व्हेन इट इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन द सन रेज डायरेक्टली फॉल्स, यानी कि अर्थ की ऐसी पोजीशन होती है जब सन की बिल्कुल डायरेक्ट रेज पड़ती है अर्थ पर, ठीक उस टाइम पे क्या है जो मैंने बताया था टिल्टेड फॉर्म में जो हमारी अर्थ घूमती है, इस टाइम पर टिल्टेड फॉर्म में उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, वो सीधी हो जाती है। ऐसे ही उसी पोजीशन पे जब हमारी डायरेक्ट रेस पड़ेगी वो ऐसे कुछ 2 दिन होते हैं, कुछ हमारा एक हमारा 21 मार्च और 23 सितंबर होता है। इस दिन क्या है सन की डायरेक्ट रेस फॉल होती है इक्वेटर पे, और इसी पर ही इसी टाइम से हमें ये भी पता चलता है कि वहां पे क्या है इक्वल डे एंड नाइट होते हैं, तो इसी में ही हमारा क्या है डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि एट दिस पोजीशन नाइदर द पोल्स आर ट्यूटेड टुवर्ड्स द सन। जैसे मैंने बताया था कि जो नॉर्थ पोल साउथ पोल जो थे इनके पोल्स जो थे वो टिल्ट नहीं होते, इसमें जो पोजीशन जो अर्थ की होती वो सीधी होती है, कौन से डेज में 21 मार्च एंड 23 सितंबर में। तो इसीलिए इक्विनॉक्स का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी पोजीशन अर्थ की जहां पर हमारी सन की रेज डायरेक्ट तो फॉल होती है मगर वहां पे जो है इक्वल डे और इक्वल नाइट हो जाता है।